मेडिकल कॉलेज में विगत चार दिनों से लाइट गुल है। मेडिकल में पढ़ाई कर रहे छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विगत चार दिनों से लाइट न होने के कारण मेडिकल के छात्र छात्राएं टॉर्च की रोशनी में पढ़ाई कर रहे हैं। विगत चार दिनों से मेडिकल डीन इस समस्या का निराकरण नहीं कर पा रहे हैं और मेडिकल में छात्र छात्राएं के थर्ड सेमेस्टर के पेपर जारी हैं। बीती रात मेडिकल के समस्त छात्रों ने मिलकर मेडिकल के प्रभारी डीन के बंगले के सामने 10:30 बजे रात को गिरते पानी में धरना दिया। वहीं जनरेटर के माध्यम से सिर्फ मेडिकल डीन के बंगले में बिजली की सुविधा दी गई, मगर छात्रों के हॉस्टल में बिजली न होने के कारण टॉर्च की रोशनी में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। बिजली न होने के कारण मेडिकल कॉलेज में छात्र छात्राओं को पानी की सुविधा भी नहीं मिल पा रही है। छात्र का कहना है, मेडिकल कॉलेज में चार दिन से बिजली न होने के कारण हमें बाहर होटलों में खाना खाने जाते वक्त मोबाइल को चार्ज में लगाना पड़ रहा है। ऐसे विगत दिनों से यहाँ प्रक्रिया चल रही है। ना पीने का पानी है, ना सैनिटाइजेशन प्रॉपर है यहाँ पे, ना कुछ और प्रॉपर है, और डीन सर इस पर कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। 3 दिन से हमें पहले बोला गया था कि 3 दिन बाद में लाइट आ जाएगी, लेकिन तीन दिन बाद में आज हम लोग गए हैं तो हमें बोला गया है कि अभी अगर तुम लोग मतलब अभी बोल रहे हैं कि अभी कितना भी टाइम लग सकता है, 7 या 8 दिन भी लग सकते हैं, उससे ज्यादा भी लग सकता है। छिंदवाड़ा से BCN न्यूज के लिए शेखर राजपूत की रिपोर्ट।